सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा यहां पर पटवारी के लिए बड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चैनल पर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। 4,207 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। अगर आप भी आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कैसे आपको आवेदन करना है और आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी तो यहां पर आपको उस गलती को सुधार करने का मौका नहीं दिया जाने वाला है। ऑल इंडिया जॉब है और यहां पर 18 से 40 वर्ष अगर आपकी आयु है 1 जनवरी 2020 तक, बैचलर डिग्री आपने की है, ओ लेवल सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर साइंस कोई इक्विवेलेंट और कोई कोर्स है से संबंधित कंप्यूटर का, तो आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20,800 रुपए तक सैलरी मिलेगी। आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर इस पेज पर आप आ सकते हैं, इस पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पर लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इस पेज पर आने के बाद यहां अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक किया लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं पूरी डिटेल्स क्लिक करके, यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। जैसे अप्लाई पर यहां क्लिक करेंगे आप तो आप आएंगे इस पेज पर, ये इसका पेज है जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहां से आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और दोस्तों तक आपके वीडियो पहुंचे, वो भी इसमें आप देखकर ऑनलाइन आवेदन कर सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। ठीक, अब शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले इस पेज पर जब आएंगे मित्रों आप, तो आप देखेंगे कि आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना रहेगा। मैंने जैसे किया ऐसे आपको भी क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश होगा और इस प्रकार से आपका पेज शो होने लगेगा। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के ऑप्शन मिलेंगे, आप सिटीजन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उद्योग से कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, या जन आधार से कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं, फिर अपने फेसबुक से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गूगल से रजिस्ट्रेशन करके आपको बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, गूगल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो गूगल यानी कि आपका जीमेल आईडी है वो मांगा जाएगा, तो आप अपनी जीमेल आईडी अगर लॉगिन है पहले से तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वरना आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले से गूगल खाता लॉगिन है, हमने उसको लॉगिन पर खाता पर क्लिक कर दिया। तो साथियों, जैसे ही आप सक्सेसफुली अपने ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आप इस तरह के एक पेज पर आएंगे, सेम वैसा ही पेज रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज, यहाँ पर गौर करिएगा, एक आपको लॉगिन यानी यूजर आईडी बनकर खुद आ जाएगा और टिक हो जाएगा यहाँ पर देखिए। तो जैसे हमारा ये बन के आ गया है Raj1561235, ऐसे ही आपका भी कुछ बनकर आ जाएगा। तो जब ये बनकर आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर कहेगा पासवर्ड डालिए और कन्फर्म करिए उसी पासवर्ड को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देना है, तो हम उस पासवर्ड को डालेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा से डालेंगे, दोबारा से डाल दिया हमने। ठीक है, यानी कि कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दो चीजें पूछी जाएंगी, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हमारी पहले से ही है, मोबाइल नंबर चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसके बाद रजिस्टर्ड बटन दिख रही है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली हो गया है और ये हमारा यूजर आईडी हो गया जिसे हमें कॉपी कर लेना है या याद रख लीजिए आप। ठीक है, और ये हमारा पूरा तरह से ओके हो गया, उसको हमको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आप लॉगिन पेज पर आएंगे। अब लॉगिन पेज पर आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर में अपना जो यूजर आईडी था वो डालिए, तो हमने 1 2 3 4 5 ये डाला। ठीक है, ये पूरा हटा देते हैं पहले और शुरू से डालते हैं इसको, तो यहां से हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद Raj1561235, ठीक है, ये था हमारा। और उसके बाद हमने जो पासवर्ड बनाया था, ठीक है, हमने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को हम यहां पर डालेंगे। तो चलिए हम उस पासवर्ड को यहां पर डालते हैं, तो ये देखिए हमने पासवर्ड डाल दिया है और ये हमने पासवर्ड बनाया था वो डाल दिया। उसके बाद इस कैप्चर कोड को हम यहां पर डालेंगे जो हमें दिख रहा है,
इस कैप्चर कोड को हम यहाँ पर डालेंगे और फिर इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हमने लॉगिन कर दिया है, देखते हैं कहाँ पर हम आते हैं, देखते जाइए पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप मित्रों यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो यूजर नेम है वो राज, देखिए यहाँ पर आ गया है पूरा हमारा नाम, हमारा ये यूजर नेम हो गया और इस तरह का हमारा एक पेज क्रिएट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर भी मिल रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम होने पर आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें भी कमेंट कर सकते हैं, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना नाम डालना है, जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक, उसके बाद लास्ट नेम है तो डाल दीजिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। अब ये डिस्प्ले नेम है यहाँ पर आ रहा है, तो आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं या यहाँ पर कोई डिस्प्ले नेम आप दूसरा भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पर क्या नाम आए वो दे सकते हैं, या हम राहुल अपना नाम डालना चाहते हैं वही रहने दें तो वही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बैक जाइए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उस पर आइए, सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर आप अपना मंथ और डेट सेलेक्ट करिए। 1 जनवरी 1997 हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करिए। अपना यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं अगर चाहें तो, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देते हैं और यहाँ पर सेंड ओटीपी करके आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, ये आपको देना है इस प्रकार से। ईमेल आईडी हमारा यहाँ पर पहले ही देखिए ओके है, ये देखिए जैसे इस पर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी आपको जैसे डालनी है, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, ये याद रखें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी दोबारा से डालते हैं और ये देखिए हमने ईमेल आईडी डाल दी है @.com और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया। ठीक, ऐसे आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि आप एक नई ईमेल आईडी डालिए, उसको यहाँ पर वेरीफाई करिए, क्योंकि ये वेरीफाई है तो इसको अभी हम बाद में आपको बता देंगे कि कैसे वेरीफाई करना है। ठीक, कोई टेलीफोन नंबर है तो वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर देना है आपको अपना पोस्टल एड्रेस, सर अपना पोस्टल एड्रेस, आपका जो मकान नंबर है, ग्राम, विलेज, पोस्ट, जो भी है वो आपको पूरा यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है। ठीक है, पोस्टल कोड यानी कि आपका जो पिन कोड होता है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, किस शहर से आप हैं उस शहर का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है इस प्रकार से, किस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उस स्टेट को। ठीक है, ऐसे आपको सभी चीजें करनी है यहाँ पर। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको आईडी या एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको सेलेक्ट करना है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है इस पर आपको ये चीजें जरूरी है भरना, बाकी सभी चीजें आप छोड़ सकते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। आधार अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके आधार भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको क्या करिएगा, अपडेट कर दीजिएगा बस। ठीक है, ऐसे आपको करना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा। हमने ओके कर दिया, ओके करने के बाद ये पेज फिर से रिफ्रेश हो रहा है और रिफ्रेश होने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। तो आवेदन हम करना किसके लिए चाह रहे हैं, हम आवेदन करना चाह रहे हैं पटवारी के लिए। तो यहाँ पर पटवारी का आपको ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये मिलने वाला है, जो नया विज्ञापन अभी जारी हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, इसमें एक एप्लीकेशन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल करके। ठीक है, ये एप्लीकेशन पर जैसे है तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर मिलेंगे, इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के एक नए पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर आप लास्ट में आएंगे तो देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी 2019, ये यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। आपने प्रोफाइल अपडेट की है तो आप यस कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक, अगर आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर नो करते हैं, अगर नो करने पर ऐसा हो तो आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करके कंटिन्यू कर दीजिएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। ना हो तो आप दोबारा से कर दीजिएगा, तो एक दो बार करेंगे तो ये रिफ्रेश जैसे करते रहेंगे तो ये पेज आपका आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए पटवारी लिखकर आ जाएगा, इस पटवारी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, अब जैसे ही पटवारी पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले फिल करना है कैंडिडेट का नाम। ठीक है, तो कैंडिडेट का यहाँ पर आप नाम डालेंगे, कैंडिडेट के यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट के मदर का नेम यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने डाला। ठीक है, फिर यहाँ पर मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ हो वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो 1 जनवरी 1997 है, ये आपका देखिए आ गई।
श्रेणी यानी कि जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विकलांग हैं, तो वो यहाँ पर आप यश या नो करेंगे। विशेष दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं हाँ है या नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए अगर नहीं है तो, ठीक है। उप विशेष दिव्यांग यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा नहीं जब उसको आप मना कर देंगे तो। फिर यहाँ पर धर्म, आप हिंदू मुस्लिम जैन जो भी है वो धर्म सेलेक्ट करेंगे। वैवाहिक स्थिति कैसी है आपकी, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर यस करते हैं आप मैरिड हैं तो यहाँ पर जीवन साथी का नाम वगैरह आपको सब देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब चीजें आपको छोड़ देनी है क्योंकि हमसे संबंधित नहीं है, हमने फिलअप नहीं किए, यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी लिखकर आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर आप बाहरी राज्य से कर रहे हैं तो आप नो करिएगा, आप राजस्थान के राज्य से हैं यहाँ से स्थान से तो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पत्राचार यानी कि आपका फुल एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपका मकान नंबर, आपका विलेज, पोस्ट, ये सभी चीजें अच्छे से आपको फिलअप करनी है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर राज्य चुनना है जो आपका राज्य हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपका जिला आ जाएगा, थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करेंगे अपना, यहाँ पर आपको जिले का ऑप्शन मिलेगा, तो हम दूसरा यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। देखिए कभी कभी नहीं ओपन होता है सर्वर की वजह से, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, देखिए ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको भी आ सकती हैं। तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर ओपन करते हैं और हम इसको ओपन करके देखते हैं, राजस्थान पर ही ओपन करके देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पर राजस्थान डालते हैं और सेलेक्ट करते हैं, देखिए राजस्थान पर आ रहा है तो हम राजस्थान पर आपको भर के दिखा देते हैं, आप दूसरे पर यहाँ पर जब करिएगा तो सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका जिला हो वो सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर आपके जो गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, आपके एरिया का, आपके आसपास के एरिया का जो पिन कोड हो वो यहाँ पर आप डालिएगा, अगर फोन नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई स्थायी पता है तो आप इसी प्रकार से इसको फिलअप करिएगा, नहीं है तो सेम है इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर यह फिलअप हो जाएगा। होने के बाद सभी चीजें चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओके कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप एक मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है, हमने एक्टिव मोबाइल नंबर दे दिया। और अब नेक्स्ट करते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो हम आ जाएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें देनी है, जैसे कि हम यहाँ पर इंडियन है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। होम हमारा जो राज्य है वो कौन है, कि जो जिला है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए, गृह राज्य कौन सा है, तो हम यहाँ पर राजस्थान से ही आपको फॉर्म भर के बता दे रहे हैं, आप अपना गृह जनपद यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। जिला कौन सा है वो जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिले के आप निवासी हो वो जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक सेलेक्ट करिएगा। तहसील कौन सी लगती है वो तहसील आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद किस गांव से हैं आप वो गांव सेलेक्ट करिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, उत्तराखंड से कर रहे हैं तो उस अनुसार, मैं राजस्थान से करके दिखा रहा हूँ तो राजस्थान के अनुसार करेंगे। पूर्व स्थापित अगर कोई यहाँ पर कंट्री रही हो तो आप यस करिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। पर अभी दूसरे देश में अगर आप निवास किए हो तो, वरना इसको नहीं करिएगा बिल्कुल भी। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो करना है, ठीक है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो करना है। अगर आप स्टेट लेवल पर किसी लेवल पर स्पोर्ट पर्सन है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट रखते हैं अपने पास तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। भूतपूर्व कोई कैदी वगैरह है तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार में कर्मचारी है यानी कि कोई वर्क करते हैं सरकारी नौकरी, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। क्या आपकी पारिवारिक आय जो 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर हम यस कर सकते हैं, आप इसको नो भी कर सकते हैं जैसा आपका हो। तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अतिरिक्त श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है, ये अतिरिक्त श्रेणी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये अतिरिक्त श्रेणी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो हम इसको नो कर देते हैं, ठीक। अब अतिरिक्त श्रेणी तभी यहाँ पर ऐसे आ रही है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कुछ अगर आपसे संबंधित है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे इसको, ठीक।
अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो पर्सनल यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है उस पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए इन केस कोई अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपको टिक कर सकते हैं। पहले हम डिटेल्स भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले आपको कहाँ फिल करना है हाई स्कूल, तो यहाँ पर हाई स्कूल का क्या है विषय समूह जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो यहाँ पर आपको डाल देने, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में डाल देते हैं। आपको पूरा डिटेल से सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर देने हैं, आपका जो बोर्ड वगैरह है स्कूल का नाम है वो यहाँ पर देना है, आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर पूरा देना है, ठीक है, परिणाम आपने ग्रेड में है प्रतिशत में है वो यहाँ पर आपको देना है, और उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर आपको देना है, फिर कितने प्रतिशत अंक मिले वो यहाँ पर आपको देने हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर सभी चीजें फिल करनी है। इसी प्रकार से आपको जो इंटरमीडिएट का है वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, इसी प्रकार से ये भी फिल कर दिया विषय बोर्ड और स्कूल का नाम, और उसके बाद यहाँ पर जो उसका रोल नंबर है रोल नंबर प्रतिशत में है ग्रेड में है सीजीपीए में है वो सेलेक्ट करिएगा, और किस सन में आपने क्वालिफाई किया वो सेलेक्ट करिएगा, कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए वो सेलेक्ट करिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा बैचलर डिग्री में, बैचलर डिग्री में आप यहाँ पर पूरा डिटेल से डाल दीजिएगा, जो जो सब्जेक्ट आपके हो वो डाल दीजिए, बोर्ड आपका जो हो यूनिवर्सिटी यहाँ पर रहेगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम वो डालिएगा, ठीक है, रोल नंबर जो आपका हो वो रोल नंबर यहाँ पर डालिएगा, प्रतिशत में है ग्रेड में है ये आप रिजल्ट जो है आप उस प्रकार से अगर अगर फाइनल ईयर में है तब भी अपेयरिंग में है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, तो वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और किस साल में आपने क्वालिफाई किया वो करिएगा, और कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए वो यहाँ पर आपको डाल दीजिएगा, ठीक है, केवल इतना आपको यहाँ पर डालना है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री ही मांगी गई है तो हम यहाँ पर केवल बैचलर डिग्री तक ही फिलअप करने वाले हैं, इतना आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद जो बहिष्कृत करने का विवरण है वो अगर आपको इस तरह का कारण आपके साथ हुआ है तो आप यहाँ पर यस करिएगा और इसको ओके करिएगा, वरना आप यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए टिक करना है चेकबॉक्स को, मैं यहाँ करना भूल गया आपको बताना था, ये देखिए बॉक्स पर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, हम इसको फिर से नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है जी यहाँ पर कंप्यूटर वाला ये ऑप्शन है चौथा, यहाँ पर देखिए तीन तरह के यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, जैसे कि ओ लेवल हो या कोपा का या डिग्री डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में या इक्विवेलेंट कोर्स हो, यानी ओ लेवल से संबंधित कोई मैक्सिमम कोर्स हो तभी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल सी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई देखिए चर्चा नहीं की गई, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कोई ट्रिपल सी का है तो देखिये यहाँ पर ट्रिपल सी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या है ओ लेवल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम फिलअप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से किया है वो विषय वगैरह क्या थे कहाँ से किया है वो सब चीजें यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसका जो रोल नंबर आपको मिला होगा सर्टिफिकेट का वो डालिएगा, और प्रतिशत में है बिल्कुल वो रहता ही है प्रतिशत में, और कब आपने इसको क्वालिफाई किया था वो डाल दीजिए, और कितने प्रतिशत अंक मिले वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपको क्वालिफिकेशन में आपको कर देना है, ठीक है। केवल यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और आपका जो कंप्यूटर का डिटेल्स है वही चार चीजें यहाँ पर फिल करनी है, पांचवी कोई चीज यहाँ पर आपको फिलअप नहीं करनी है, ठीक, क्योंकि इतनी ही चीजें क्वालिफिकेशन में मांगी गई हैं। और जैसा कि जो ट्रिपल सी का कंफ्यूजन था वो सभी को क्लियर हो गया है, यहाँ पर ट्रिपल सी का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया है। ओ लेवल के ऊपरी जो आपके यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री है कंप्यूटर की वही आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा और यहाँ पर कोई डिग्री या डिप्लोमा आप नहीं डाल पाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा वो है आइडेंटिफिकेशन का, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर इन हिंदी सिग्नेचर इंग्लिश, ये आपको तीन यहाँ पर देना होगा। बॉडी मार्क यहाँ पर देना होगा, सबसे पहले बॉडी मार्क देते हैं यहाँ पर कट मार्क ऑन हेड, कोई भी आपके बॉडी पर किसी प्रकार का कोई मार्क पहचान चिन्ह होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है, जो कि हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी फोटो, तो चलिए हम यहाँ पर अपनी फोटो सेलेक्ट करते हैं, हमने अपनी फोटो सेलेक्ट कर दी इस प्रकार से। सिग्नेचर यहाँ पर आपको हिंदी में सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं इंग्लिश में ही सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, याद रखिएगा यहाँ पर सिग्नेचर आपको हिंदी में और यहाँ पर आपको इंग्लिश में आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, ठीक है, याद रखिएगा। साइज इनके दिए हुए हैं फोटो की साइज 50 केबी से 100 केबी के बीच में रहनी चाहिए, जेपीईजी और जेपीजी फाइल ही होनी चाहिए, साइन 20 केबी से 50 केबी, ठीक है, दोनों में सेम है तभी ये अपलोड होगा, अगर ये साइज गड़बड़ होगी तो देखिए अपलोड नहीं होगा, हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों जैसे ही सारी इमेजेस यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे और इमेजेस अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ पर सभी चीजें होंगी, आप यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए हम आ गए हैं, तो सबसे पहले जो भी आप चाहें यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप हम मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं
जो भी हमें यहाँ पर देना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेफरेंस पर आप पहुँच चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है नॉन डीएसपी पे, ठीक है, ये प्रेफरेंस मिल रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 32 प्रेफरेंस यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए मिल रहे हैं। तो आप एक एक करके यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो आप जैसा चाहें वैसे आप यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। ऐसे आपको केवल क्लिक करते जाना है बस, ठीक है, ये आपका सेलेक्ट होता जाएगा जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे। आपको पूरे सारे सीरियल सेलेक्ट कर लेने हैं, जिस प्रकार से आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सीटों की संख्या आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर लीजिएगा कि किस जगह पर किस स्थान पर कितने यहाँ पर आपकी सीटें निकाली गई हैं, ठीक है, उसी के अनुसार ही यहाँ पर आप करिएगा। तो हम ये देखिए यहाँ पर फटाफट सेलेक्ट करते हैं, तो ये इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देने हैं सर। अब देखिए हमने सारे प्रेफरेंस दे दिए हैं, अब इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम सारे प्रेफरेंस देने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे फॉर्म का प्रीव्यू आ गया। जो भी चीज़ें हमने फिल की है यहाँ पर आपकी फोटो सेलेक्ट करेगी, हमारा एक लेटर शो कर रहा है क्योंकि हमने लेटर ही अपलोड किया है। इस प्रकार से सभी चीज़ें आपकी शो करेंगी, जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर फिल की हैं सभी चीज़ें आपके प्रेफरेंस हैं, जो आपने व्हीकल्स दिए हैं, हाँ ठीक है, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अब यहाँ पर ये देखिए जो शुल्क की स्थिति है वो दिखा रहा है, अभी यहाँ पर शुल्क आपका जमा नहीं है इसलिए डिसलाइक दिखा रहा है। यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर शो करेगा, ये आपकी घोषणा रहेगी, इसे आपको पढ़ना है और फिर इसके बाद एग्री कर देना है, यानी कि टिक कर देना है। इसको आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसका आप प्रिंट भी चाहें तो ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो देखिए इस प्रकार से इसका प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट जरूर ले लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से आप इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिएगा, जहाँ पर सेव करना है सेव कर लिया, और सेव करने के बाद फिर यहाँ पर आप आई एग्री करिएगा और यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। पहले देखिए अपडेट चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, यानी कि एडिट कोई चीज़ें एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट करिए, वरना आप सीधे प्रेफरेंस पर भी यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ पाएंगे हम। चलिए हम क्या करते हैं फिर से इसको नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं क्लिक करना है, पे फीस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इसको ओके कर दिया है, ओके करने के बाद देखेंगे कि हमारी डेट आ जाएगी जिस दिन हमने आवेदन किया है, पटवारी के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये हमारा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमारा नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, हम सिंगल हैं यहाँ पर, पूरा डोमिसाइल, कहाँ का मेल, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। फीस कितनी पड़ रही है 450, ठीक, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब फिर इसके बाद क्या करना है, पे फीस पर यहाँ क्लिक करने के बाद ओके कर देना है आपको, और फिर से यहाँ पर ओके कर देना है, हमने फिर से ओके कर दिया है। और देखिए हम आ रहे हैं पेज पर, तो थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा, थोड़ी देर के लिए ओपन होने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको फीस जमा करनी है। तो देखिए इस तरह से आप पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन से मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से अगर आप करना चाहें तो नेट बैंकिंग यहाँ पर सेलेक्ट है, 480 रुपये देना पड़ेगा आपको। जिस भी बैंक का आपका खाता है वो बैंक सेलेक्ट करिए, अगर आप यहाँ पर एग्रेटर से देना चाहते हैं तो एग्रेटर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, यूपीआई से देना चाहते हैं तो यूपीआई सेलेक्ट करिए। आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करिएगा, तो नेट बैंकिंग पर सेलेक्ट करने के बाद जो बैंक हो आपकी इनमें से वो बैंक सेलेक्ट करिएगा और पे नाउ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर ये देखिए पूरी डिटेल आ गई यहाँ पर आपकी, तो हमने यहाँ ओके कर दिया है, और ओके करने के बाद जैसे हम करेंगे तो जिस भी बैंक को हमने सेलेक्ट किया होगा उस बैंक के हम होम पेज यानी कि लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो हमने सेंट्रल बैंक सेलेक्ट किया है, सेंट्रल बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, डालने के बाद लॉग इन करना है, पेमेंट को कंफर्म कर देना है बस। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे साथियों, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोबारा से इसी पेज पर आइएगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा, ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फीस इसलिए नहीं जमा कर सकते क्योंकि ये डेमो फॉर्म है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पहले से लॉग इन है, तो हम लॉग इन हो गए, ठीक है, तो लॉगिन हो गए हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है, लॉगिन करने के बाद फिर इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाइएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, तो देखिए अभी नया पेज ओपन होने दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओपन हो रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है, ये पेज इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद ये देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से प्रिंट लेने का, अप्लाई नाउ, ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक। देखिए रजिस्ट्रेशन करना मैंने आपको बताया था डायरेक्ट यहाँ से, आप यहाँ से भी ये जो प्रोफाइल को अपडेट करके भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दो ऑप्शन है जैसा चाहे, जैसा मैंने बताया आपको सरल पड़ेगा। फिर यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है, ठीक। फिर जैसे ही अप्लाई नाउ पर यहाँ क्लिक करते हैं तो फिर वैसा ही प्रोसेस आएगा आपका, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा, अगर आपने फीस जमा कर दी है तो आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर फाइनल जो प्रीव्यू है ये रेफरेंस वाला ये यहाँ पर आपको दिखने लगेगा फाइनल प्रीव्यू, ठीक है, और केवल आपको प्रिंट निकालना रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं निकल रहा है प्रिंट, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, प्रिंट आपका फाइनली निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिए, और साथ ही साथ इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा।